अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मूवी एक्सप्लेनर हिंदी। इस चैनल पर हम आपको देंगे दुनिया भर की दिलचस्प मूवीज की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली सीरीज के साथ। सामाई, मैं इस वीडियो में आपके सामने मार्को पोलो सीजन 1 को उर्दू हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि हम आपके साथ मज़ीद आपकी पसंदीदा मूवी और सीरीज को एक्सप्लेन कर सकें। मार्को पोलो सीजन 1। किस्सा वहाँ से शुरू होता है जब मार्को का बाप एक लंबे अरसे तक सफ़र में रहने के बाद घर पहुँचता है। मार्को, जो अब बड़ा हो चुका है, अपने बाप को बताता है कि जब वो 6 साल का था तो उसकी माँ की मौत वाकई हो गई थी। मार्को का बाप दोबारा मशी की तरफ सफ़र का इरादा जाहिर करता है, जिस पर मार्को जिद करता है कि वो भी अपने बाप के साथ दुनिया की सैर के लिए जाएगा, जिस पर मार्को का बाप इसे मना कर देता है। जहाज पर सफर के दौरान मार्को के वालिद को मालूम होता है कि मार्को भी छुपके से जहाज में बैठ गया था, जिस पर वो बहुत खफा होता है। आखिरकार मुश्किल सफर तय करने और मंजिलें मारने के बाद वो पंजाब पास के रास्ते चीन में पहुंचते हैं, जहाँ इनको मंगोल शहनशाह चीन कुबलाई खान के आदमी गिरफ्तार करके शहनशाह के दरबार में पेश करते हैं। यहाँ कुबलाई खान को मार्को की जहानत बहुत पसंद आती है और मार्को के बाप की दरख्वास्त पर वो उसे महल में रख लेता है। मार्को के लिए एक चीनी उस्ताद मुकर्रर किया जाता है, जो उसको कंगफू और दीगर चीनी अलूम सिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता मार्को कुबलाई खान के नज़दीक होने लगता है, जिस पर प्रिंस जिंगम मार्को से हसद महसूस करने लगता है। कुबलाई खान के हुक्म पर प्रिंस जिंगम सांग सुल्तनत पर हमला करता है, लेकिन कुबलाई का भाई आरिक जानबूझकर प्रिंस जिंगम की मदद के लिए नहीं पहुंचता और प्रिंस जिंगम को बुरी तरह शिकस्त हो जाती है। कुबलाई मार्को को आरिक के कबीले की तरफ जिंगम के साथ भेजता है, ताकि पता लग सके कि आरिक ने जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के साथ प्रिंस जिंगम की मदद के लिए फौज नहीं भेजी या वाकई उसको कोई मजबूरी थी। मार्को अपनी जहानत के साथ सुराग लगा लेता है कि ये आरिक की साजिश थी। इसी दौरान कुबलाई खान का भाई आरिक कुबलाई खान को मंगोल कानून के मुताबिक मुकाबले का चैलेंज करता है, जिसको कुबलाई खान कबूल कर लेता है और आरिक को आमने सामने मुकाबले में मार देता है। कुबलाई खान मार्को पोलो को अपने हरम में बुलाता है, जहाँ हर तरफ हसीन लड़कियाँ अश्लील जिंसी हालत में मौजूद होती हैं और कुबलाई उनके दरमियान इंजॉय कर रहा होता है। कुबलाई मार्को को हुक्म देता है कि वो हरम की सैर करे, उससे लुत्फंदोज हो, लेकिन किसी भी बांदी को हाथ ना लगाए, वरना उसे सजा मिलेगी। हसीन नारियाँ मार्को को घेर लेती हैं, लेकिन वो किसी भी औरत को हाथ नहीं लगाता। यूँ वो कुबलाई का एतमाद यहाँ भी जीतने में कामयाब हो जाता है। कुबलाई खान के दरबार में यूसुफ और अहमद नामी मुशीर बादशाह से करीब होते हैं और बादशाह और मलका चाबी इनको अपना बेटा तस्वर करते हैं। मार्को को कुबलाई खान की टैक्स इकट्ठा करने वाले अफसर सांगा के साथ जाकर बादशाह के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का टास्क दिया जाता है। मार्को को इस दौरान मालूम होता है कि सांगा टैक्स चोरी में मुलव्वित है। वापसी पर सांगा के मुताबिक अहमद मार्को से सवाल करता है, जिसको जवाब में गैर वाजे तौर पर मार्को इकरार करता है कि सांगा टैक्स चोरी में मुलव्वित है। यूँ अगले ही दिन सांगा को मंगोल कानून के मुताबिक मौत की सजा सुना दी जाती है, यानी आदमी को कारपेट में लपेट कर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, जिससे आदमी की मौत वाकई हो जाती है। वक्त के साथ साथ मार्को को कुबलाई खान के दरबार में इज्जत व मर्तबा हासिल होने लगता है और उसकी तरक्की प्रिंस जिंगम को एक आंख नहीं भाती। मार्को को ड्यू प्रिंस ऑफ बायोस पसंद आ जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है, जिससे उसे इस रात का पता लगता है कि ड्यू प्रिंसेस को कोचिंग ज्वेलरी और हीरों का हार शहर के बाहर एक दरख्त के नीचे छुपाती है, जहां से कोई शख्स वो निकाल के ले जाता है और एक जगह बेच देता है। आखिर में मालूम होता है कि वो शख्स को कोचिंग का फ्यांसी होता है और दोनों भागने का प्लान बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुबलाई खान की दुश्मन सांग दोर हुकूमत के आखिरी सांस चल रहे हैं। बादशाह बजात खुद डेथ बेड पर है और जानशीन छोटा सा बच्चा है। ऐसे में शियानयांग शहर के चांसलर ने हकूमती मामला अपने हाथ में ले रखे हैं। चांसलर का नाम जिया सिडाव है। जिया सिडाव को क्रिकेट मिनिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने ऑफिस में क्रिकेट स्पार रखे होते हैं। चांसलर बनने का जरिया इसकी बहन बने, जो बादशाह की सबसे करीबी महबूबा डांसर है।
चांसलर की बहन का नाम मेलिन है, रोके कंकु की माहिर है और बादशाह से इसकी बेटी लिंग लिंग के नाम की है, जिसके जरिए मेलिन का भाई इसको ब्लैकमेल करता है और इसी तरह मेलिन यानी अपनी बहन को दूसरे शहरों के वजीरों के सामने पेश करके अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करता है। सांग हुकूमत के बादशाह के मरने के बाद वो अपनी बहन को एक खुफिया मिशन पर कुबलाई खान की तमीज़ों के हरम का हिस्सा बनने के लिए भेजता है और उसके जरिए कुबलाई खान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है, लेकिन ये साजिश भी नाकाम रहती है। उसके बाद मेलिन महल के दरवाजे पर कुबलाई खान और मलका पर हमले की कोशिश करती है, जिस पर उसे अहमद के महल में कैद कर लिया जाता है। इस दौरान अहमद उसका मुकम्मल ख्याल रखता है। सांग हुकूमत की मलका खुफिया तौर पर कुबलाई खान के पास मुजाकरात के लिए वक्त भेजती है, जो कि कामयाब रहता है। लेकिन इस बात का जब जियासे राव को पता चलता है तो वो वक्त की वापसी पर जंगल में ही वक्त को कत्ल करवा देता है। मार्को का बाप दोबारा कुबलाई खान के दारुल हुकूमत में आता है और उनका मकसद रेशम के कीड़े को चुरा कर यूरोप स्मगल करना होता है, लेकिन यूसुफ को इस साजिश का इल्म हो जाता है और मार्को के बाप औरंगजेब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मार्को के कहने पर मामूली सजा देकर कुबलाई खान इनको छोड़ देता है। कुबलाई खान को फिदाई हशीशियन कातलों की तरफ से कातलाना हमले का सामना करना पड़ता है, जिसमें मार्को सबके साथ मिलकर बादशाह की हिफाजत करता है। इसके बाद कुबलाई मार्को और अपने बास्टर्ड बेटे बियांबा को टास्क देता है कि वो कातलाना हमले की तहकीकात करें। मार्को और बियांबा को आखिर में पता चलता है कि महल का अंदरूनी आदमी इस साजिश में शरीक था। कुबलाई खान मार्को और उसके कंगफू उस्ताद सैफू को, जो कि अंधा है, इसके साथ शियानयांग की तरफ चांसलर का सर काट कर लाने और शहर का नक्शा बनाने और शहर की बैरूनी दीवार या फसी, जो शहर का सबसे मजबूत डिफेंस है, इसमें कमज़ोर हिस्सों की निशानदही के लिए भेजता है। जब दोनों शहर पहुँचते हैं तो इसी दिन बादशाह के बच्चे को बादशाह बनाने की तकरीब जारी होती है। मिशन कामयाब रहता है और कुबलाई खान जंग का ऐलान कर देता है, लेकिन जंग के दिन जब प्लान के मुताबिक वो शहर की दीवार के कमज़ोर हिस्से पर हमला करते हैं तो वो एक ट्रैप होता है, जिसके नतीजे में कुबलाई खान की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कुबलाई खान इस शिकस्त के बाद गुस्से में आ जाता है और मार्को पोलो को गद्दारी के इल्जाम में जेल के अंदर भेज देता है, लेकिन यूसुफ मार्को की मदद के लिए आ जाता है और मार्को का सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है, जिसके बाद मार्को की जगह यूसुफ को सजाए मौत सुना दी जाती है। मार्को शियानयांग शहर की दीवार को गिराने के लिए मंजनीक बनाता है, जो कामयाब रहती है, जिसके बाद कुबलाई खान दोबारा शियानयांग शहर पर हमला करता है और मार्को और सैफू के चांसलर को कत्ल करने के बाद कामयाब हो जाता है। उसके बाद कुबलाई खान पहला मंगोल बादशाह बन जाता है, जो पूरी चीन पर मंगोल सुल्तनत कायम कर देता है। सांग हुकूमत का जानशीन बच्चा जनूब की तरफ भाग जाता है, जो कुबलाई खान के खिलाफ साजिशों का घर होता है। मेलिन की बच्ची को महल में रख लिया जाता है और मलका इसका ख्याल रखती है, जबकि मेलिन को इससे मिलने नहीं दिया जाता। आखिर में मेलिन को, जो कि अहमद के महल में कैद होती है, इसे अहमद की साजिश का पता चलता है, जो वो कुबलाई खान के खिलाफ रचा रहा था, और वो उसके साथ इसकी साजिश में शरीक हो जाती है। तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का रिव्यू? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपकी पसंदीदा मूवीज़ के रिव्यू आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।